हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। ये लेक्चर 2 है टेंस का। मैंने आपको जैसे बताया था कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ा था। तो सिंपल के बाद आता है कंटिन्यूस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या है? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसी से पता चल रहा है। प्रेजेंट, उसके बाद कंटिन्यूस। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का टाइम, कंटिन्यूस का मतलब हो रहा है कि कोई काम चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब वो समय की बात हो रहा है जो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप वीडियो देख रहे हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी कर रहे हो, लेकिन जितना मिनट है ये वीडियो, उतना मिनट के बाद जब ख़त्म हो जाएगा फिर आप वीडियो देखना बंद कर दोगे, तो ख़त्म हो गया। ठीक है, जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसे पास्ट में जो चीज़ हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट की बात कर रहे हो, कोई एक मतलब समय की बात कर रहे हो जहाँ पे वो काम चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। ठीक है, मतलब आप 3 दिन के पहले की बात कर रहे हो, बोलोगे किसी को कि 3 दिन पहले मैं ये काम इतना टाइम पे कर रहा था, चल रहा था, उस टाइम पे आपका वो काम चल रहा था, तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है कि फ्यूचर में कोई भी एक टाइम पे वो काम चल रहा होगा। ठीक है, आप गौर से मेरा हिंदी जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब जो पास्ट में चल रहा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो काम चल रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब जो काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में चल रहा होगा, चल रहा होगा। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ई आई एम वॉचिंग ए मूवी नाउ। ठीक है, मैं अभी एक मूवी देख रहा हूँ, जब मूवी ख़त्म हो जाएगा ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, आप प्रेजेंट में मूवी देख रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, वैसे पास्ट कंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आप किसी दोस्त को बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो आप वो काम कर रहे थे पास्ट में, अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो काम आप कर रहे थे पास्ट में, तो इसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का आप एग्जाम्पल देता हूँ। वी विल बी ईटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, मतलब इतना टाइम पे हम कल खाना खा रहे होंगे। ठीक है, ये खाना खाने का जो प्रोसेस है इतना टाइम पे कल चल रहा होगा, ये कह रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक, अभी हम स्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं एक का स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो, मैं पहले से इसको लिख दिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने के लिए, जो ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो मैं इसको पहले से लिख दिया। ठीक है, यहाँ से सारा चीज़ रिलेटेड है। जैसे मैंने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर को एक ही स्ट्रक्चर में रिलेट कर दिया, सेम दोस्तों यहाँ भी कंटिन्यूस में एक ही स्ट्रक्चर में सब रिलेट होगा। बस इज एम आर के जगह पे और कुछ आ जाएगा। ठीक है, पास्ट में और कुछ आ जाएगा और फ्यूचर में और कुछ आ जाएगा, बस जैसे का वैसे सब चीज़ सेम रहेगा, कुछ नहीं है। आपको बस एक की फॉर्मेट याद रखना है और बाकी याद रखना है कि जो जो क्या क्या उसके जगह पे रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में जाओगे तो क्या होगा, वाज वेर आएगा, फ्यूचर में जाओगे तो क्या यूज होता है, शैल विल, ये सब यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, सेंटेंस को देख के। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो प्रेजेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, डिपेंड करता है कि आप क्या सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से इज होगा या तो एम होगा या तो आर होगा। वो कैसे यूज होगा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लस वी वन प्लस आई एन जी, वी का आई एन जी फॉर्म यूज होगा क्योंकि आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो,
आई एम वॉचिंग ए मूवी, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बताया आई एम वॉचिंग, ठीक है, तो वॉच एक वर्ब है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा कंटिन्यूस, जब आप कंटिन्यूस की बात करते हो कोई भी, तो वॉचिंग हमने यहाँ पे लिखा सेम, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वही अगर नेगेटिव में करोगे तो क्या होगा, बस सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इज एम आर के बाद एक्स्ट्रा क्या या यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी जैसे का वैसे सब सेम है, ठीक है। वही क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन में हमको पता है क्योंकि हमने पहले स्ट्रक्चर देख चुका है हमने कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में क्या होता था, जो यहाँ पे जो ये यूज़ करते हो इज एम आर, ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, पहले आप इसे लिखोगे इज एम आर, जैसे हमने वहाँ पे वी वन लिखते थे तो उसकी जगह पर क्या होता था कि डू आ जाता था, पहले यूज़ करते थे, ठीक है, तो डू पहले आता था, फिर सब्जेक्ट आता था, फिर वी वन आता था, फिर ऑब्जेक्ट आता था, ये कंटिन्यूस की बात हो रहा है, तो इज एम आर जो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म तो फिक्स रहेगा कंटिन्यूस में, ठीक है, क्योंकि बिना आईएनजी फॉर्म का कंटिन्यूस बनता ही नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वैसे ही नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर क्या यूज होगा, देखो हमको पता है दोस्तों इज कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आर कब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एम कब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिर्फ आई होता है, आई के साथ एम लगाते हो, ठीक है, आई के साथ और भी कुछ लगता है लेकिन वो क्यों लगता है वो अलग रूल है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई के साथ हमेशा एम यूज किया जाता है, आई आर आई इज ऐसा बोला नहीं जाता, गलत है, ठीक है, आई के साथ सिर्फ एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे इज किस किस के साथ, ही होगा तो ही इज बोल सकते हो, सी होगा तो सी इज बोल सकते हो, इट होगा तो इट इज बोल सकते हो, कोई नेम है तो उसके साथ इज लगा सकते हो उसके बाद, या तो कोई सिंगुलर, ठीक है, कोई भी सिंगुलर की बात हो रहा है, कोई सिंगुलर मतलब एक पर्सन, प्लूरल मतलब मल्टीपल। वैसे एम इसका यूज हमेशा आई के बाद ही होता है, ठीक है, आर यू आर बोल सकते हो, वी आर बोल सकते हो, दे आर बोल सकते हो, या तो कोई भी प्लूरल मल्टीपल नंबर के बाद आर यूज किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो पास्ट कंट, मैं आपको बताया था क्या कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्रेजेंट में जो काम चल रहा है जो छोटा मोमेंट के लिए हो बाद में खत्म हो जाएगा, उस चीज़ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है मैंने आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन एग्जाम्स नाउ ए डेज, तो यहाँ पे क्यों आई, देखो आई है इसके बाद इसलिए एम आया, फिर प्रिपेयर का आई एन जी फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे आया, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि वो अभी अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी प्रिपेयर कर रहे हो, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर प्रिपेयर करते रहोगे, एक एक टाइम आएगा आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे, तो अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो बताने के लिए आप किसी को बताओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस बस ये जो टेंस वाला जितना जो है ना ये टोटल स्ट्रक्चर पे अगर एरर आता है तो स्ट्रक्चर पे आता है और कुछ नहीं, तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस मैंने बताया था जो काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया था कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, ठीक है, कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा में बहुत डिफरेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर यही होगा कि देखो जो आप प्रेजेंट में देखे इज एम आर, इसके जगह पे आपको बस रिप्लेस करना है वाज या तो वेर, ठीक है, ये इसका पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म वाज वेर है, तो आप पूछोगे एम कहाँ गया, एम का कुछ नहीं है, ठीक है, एम का कुछ नहीं है, इज का वाज है, आर का वेर है, इज सिंगुलर है तो वाज भी सिंगुलर में यूज होगा, आर सिंगुल प्लूरल है तो वेयर भी प्लूरल में यूज होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ आप यहीं से लिख लेना अलग से अगर आपको नोट करना है, तो पॉजिटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की जगह पे क्या होगा वाज वेयर प्लस वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट, क्लियर। वैसे अगर नेगेटिव करना होगा तो नॉट जैसे का वैसे रहेगा, बस ये इज एम आर के जगह पे आपको वाज और या तो वेयर लगा देना है। वैसे क्वेश्चन में क्या होगा इज एम आर की जगह पे वाज या तो वेर आ जाएगा और बाकी जैसा का वैसा सेम रहेगा, यहाँ पे भी इज एम आर की जगह पे वाज वेर आ जाएगा और बाकी जैसा का वैसा सब सेम रहेगा, ठीक है, तो टेंस बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है टेंस में,
आपको बस कोई एक फॉर्मेट याद रख देना है अच्छे से, लिख के डेली देखते रहो, और उसमें खाली सिर्फ क्या करना है कि चेंज करना है। और वो क्या चेंज करना है वो बहुत ही ईजी है, मैं आपको अभी वही बता दे रहा हूँ, ठीक है? वो आपको वही मैं समझा रहा हूँ, बार बार इसको लिखने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो इसको मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, एक ही स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, इज एम आर की जगह पे आपको सिर्फ वाज और वेर लगाना है, क्लियर? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आई के बाद एम यूज नहीं हो कि कुछ कुछ बार वेर यूज किया जाता है, ठीक है? तो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई विश आई वेर ए टाइगर, ठीक है? ये सेंटेंस एग्जाम में आपको आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऐसा वाला आता है, स्ट्रक्चर पे आता है, आई विश आई वेर ए टाइगर। एक पॉइंट याद रखना दोस्तों कि जब भी ऐसा चीज के बारे में बात हो रहा है जो कि आप विश कर रहे हो, जो सच नहीं है, ठीक है, काल्पनिक की बात हो चल रही है, आप विश कर रहे हो कि शायद मैं प्राइम मिनिस्टर होता, शायद मैं प्रेसिडेंट होता, शायद मैं विराट कोहली बनता, ठीक है? तो आप ये सोच रहे हो, आप हैं हो नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हो, इमेजिनेशन है आपका। तो उस जगह पे क्या होता है, आई के बाद दोस्तों हमेशा वेर यूज किया जाता है। आपको एग्जाम में देगा ये क्या है, वेयर के जगह पे वाज यूज करके देगा, क्योंकि हमको पता है कि आई के बाद हमेशा सिंगुलर का फॉर्म आता है, ठीक है? तो आई विश आई वाज ए टाइगर, अगर आपको पता नहीं है कि आई के बाद वेयर यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंस में, इस टाइप के इमेजिनेशन सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बिल्कुल सही है, नो एरर मार के आ जाओगे। लेकिन जिसको पता है तो वह आई विश आई वेयर करेगा वाज को, ठीक है? तो ये है रूल नंबर वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? क्यों, सिर्फ हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? स्कूल में हमको कोई एग्जाम नहीं देना है। तो क्या हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, जो इमेजिनेशन सेंटेंस होता है, काल्पनिक होता है, तो वहाँ पे आई के बाद हमेशा वेयर यूज किया जाता है, ठीक है? आई विश आई वेयर ए टाइगर, क्लियर? अब खत्म हो गया पास्ट कंटिन्यूस, बस उतना ही था पास्ट कंटिन्यूस, और उसका एक ही रूल था इंपॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूस पे आएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि वो काम उस मोमेंट में हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू हो रहा होगा, क्लियर? तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्लस, सब्जेक्ट तो जैसे का वैसा रहेगा, प्लस इज एम आर जो हमने देखा था उसके जगह पे क्या यूज होगा, साल या तो विल। जैसे कि आप, हमने सिंपल फ्यूचर में देखा था कि साल विल आता है फ्यूचर में, ठीक है, साल विल फ्यूचर में आता है, और डिड आता है सिंपल पास्ट में, और उसमें डू रहता है सिंपल प्रेजेंट में, वैसे साल विल इसमें भी फ्यूचर में आएगा। साल विल आप हर फ्यूचर के टेंस में देखोगे, ठीक है? तो साल विल से समझ लेना कि टेंस फ्यूचर में है, कोई भी एक फॉर्म में है लेकिन फ्यूचर में है, आपको उससे पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आगे देखोगे, उससे पता चलेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में है या फ्यूचर सिंपल में है या तो फ्यूचर परफेक्ट में, कहीं भी है वो आपको बाद में पता चलेगा आगे देखोगे। तो सब्जेक्ट प्लस साल विल प्लस बी, यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया जाता है बी, ठीक है? यही डिफरेंस है बस, प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस साल विल प्लस नॉट बी, उसके बाद बी आएगा, फिर वी आई एन जी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? कभी कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा कि बी के बाद नॉट ला के देगा, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे पता होना चाहिए कि बी से पहले नॉट यूज किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो बी के बाद नॉट नहीं लगाना है। तो नॉट या नेगेटिव में क्या होगा, नॉट बी से पहले नॉट यूज किया जाएगा। वैसे क्वेश्चन फॉर्म क्या है, बस ये सब्जेक्ट से पहले आपको साल विल को लेके आ जाना है, जैसे हम ये बेसिक है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, साल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होगा, साल विल ये जैसे का वैसे रहेगा प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या यूज होगा, नॉट प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखते रहना, ठीक है, वरना भूल जाओगे, आप लिखते रहना। बी से पहले नॉट यूज किया जाएगा, बस यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा नेगेटिव में, बस इतना है स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस का, बस, ठीक है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बता दिया, पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया, और फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता दिया। अब कुछ रूल देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के रिलेटेड। देखो कुछ दोस्तों ऐसे वर्ब हैं
जो कि कंटिन्यूस में यूज किया नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया जाता। जैसे वाच एक वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, वाचिंग होता है, लेकिन एक वर्ब सी है, SEE, देखना, उसका आईएनजी फॉर्म आप करोगे सीइंग, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं है इंग्लिश ग्रामर में सीइंग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो उसका कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में आपको बताऊंगा अभी। जैसे कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वो क्या क्या है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर, नोटिस, एट्सेट्रा, ठीक है। इसका आईएनजी फॉर्म नहीं है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया आता कंटिन्यूस पे। वैसे नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग क्या है वो सब, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, एट्सेट्रा, क्लियर। वैसे नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजिशन, शोइंग पोजिशन का मतलब होता है दोस्तों, पोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है कि अपना, आप किसी को बोलते हो कि ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है ये मैं बोलूँगा ये मेरा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिवनेस है। जब आप मेरा, वो, उसका, आप इस टाइप का चीज़ जब बताते हो, इसे पॉजिटिव कहते हैं, तो ठीक है। तो शोइंग पोजिशन जो वर्ब है, जो वर्ब्स पोजिशन इंडिकेट करता है, वो क्या क्या है, ओन, हैव, बिलोंग, ये सब लिख लेना, ठीक है, कंप्राइज, पोजेस, एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, फीलिंग, ठीक है, फीलिंग एक्सप्रेशन जो करना है उसका कौन सा वर्ब है, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, वांट, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसका। तो आप याद रखो कि इस टाइप के वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस हम देखेंगे, तो एग्जाम में कैसे एरर आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा, ही इज ओनिंग ए कार, ठीक है, एग्जाम में आएगा ही इज ओनिंग ए कार। तो यहाँ पे गलत क्या है कि कुछ वर्ब हमको पता है कि जिसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं किया जाता है, वो क्या है, ओन है, तो ओन का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज नहीं किया जाता, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही क्या है, ही ओन्स ए कार, ठीक है। यहाँ पे इज वर्ब आईएनजी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इसके जगह पे क्या लिखना है हमको, ही ओन्स ए कार, ठीक है। देखो, ही इज ओनिंग ए कार का मतलब क्या है, वो एक कार को रख रहा है, ये कोई मतलब नहीं बनता है, उसके पास एक कार है, ठीक है, ही ओन्स से कार मतलब वो एक कार रखा है, बस काम खत्म। तो उसके लिए इज ओनिंग बोलने की जरूरत नहीं है, वो गलत है, तो ही ओन्स ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये भी गलत है, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, यहाँ पे जो आई एन जी, जो आई इज प्लस वी आई एन जी यूज किया गया, ये गलत है। इसके अभी क्या होगा, बिलोंग्स, बस एस लगा दो, ठीक है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, ये भी गलत है, कैसे, कि देखो एम सीइंग यूज किया गया है,
सी का पता है आईएनजी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई सी, ठीक है, आई सी ए मैन स्टैंडिंग देर, तो एम सीइंग के जगह पे क्या यूज करना है, आई सी ए मैन स्टैंडिंग देर, क्लियर। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स और इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है जो एग्जाम में रिलेटेड एरर आते हैं इस पे, ठीक है। एरर आपको क्या पूछेगा, बस यही वाला पूछेगा जो स्ट्रक्चर के ऊपर एरर पूछेगा, और अभी लास्ट को मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाया उस पे एरर पूछेगा, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।